नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवैधानिक पद यात्रा के 20 साल पूरे कर लिए हैं। 7 सितंबर 2001 को पीएम मोदी ने गुजरात के 14वें सीएम के रूप में कार्यभार संभाला था, जिसके बाद लगातार 4 बार गुजरात के सीएम पद पर बने रहे। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की और दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसने देश की राजनीतिक की दिशा और दशा बदल कर रख दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इक्कीसवीं सदी के पहले बरस की ढलान पर गुजरात के सीएम पद की शपथ ले रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कौन जानता था कि आने वाले समय में ये चेहरा विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाला है। कौन जानता था कि नरेंद्र मोदी के सियासी आभामंडल के आगे सारे विरोधी ध्वस्त हो जाएंगे और उस बीजेपी को संसद में पूरी बहुमत के साथ खड़ा कर देंगे, जिसके कभी महज 2 सांसद हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी सियासत के वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मात देना आसान नहीं है। 2014 से लेकर अब तक विपक्ष के सारे सपनों को नरेंद्र मोदी की रणनीति ने पल पल चकनाचूर किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसका एहसास खुद बीजेपी के उन नेताओं को भी नहीं था जिन्होंने इस बीजेपी को खून पसीने से सींच कर खड़ा किया था। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार एक के बाद एक सत्ता की सियासी चोटियों को फतेह करते हुए नई इबारत लिखने लगी। नरेंद्र मोदी ने बीते 7 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिसे दुनिया देखती रह गई और देशवासियों ने जश्न मनाया। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के मुख्यालय पर आतंकी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया। पुलवामा हमले का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक से देकर पाकिस्तान को बता दिया कि ये नया इंडिया है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इस हमले के बाद पाकिस्तान भी समझ चुका था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब भारत को छेड़ना ठीक बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की समझ और सूझबूझ के आगे सियासी पंडित की पोथियां भी झूठी साबित हो जाती हैं। उनके लिए गए अब तक के सभी फैसलों पर पहले से लगाए गए सभी कयास गलत साबित हुए हैं। जिस मुद्दे पर सारी पार्टियों को सिर्फ बयान देने में हजारों बार सोचना पड़ता था, उस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झटके में खत्म कर दिया। 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने फिर से सबको चौंका दिया और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कर दिया। ऐसे कई फैसले पीएम मोदी ने पिछले 7 सालों के दौरान किए जिसे देश की जनता का भी अपार समर्थन मिला। शैलेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। प्राइम टीवी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।